वीडियो के टाइटल में आप ऐप नेम देख ही चुके हैं, तो आज हम इसी ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी ऐप यूज़ कर रहे हैं और आपके ऐप में भी इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। चलिए गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो ऐप से आपको जाना है बैक, ऐप से बैक जाने के बाद में सेटिंग्स को करना है ओपन। सेटिंग्स को ओपन करेंगे इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। नेटवर्क के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एरोप्लेन मोड को ऑन करना है, फिर ऑफ करना है। बैक जाना है, ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑल ऐप्स पर क्लिक करना है, ऐप को देख लेना है ऐप कहाँ पर है, ऐप पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करके क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है, ओके पर कर देना है एक्सेप्ट। बैक जाना है, परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करके इनको देना है परमिशन। परमिशन देने के बाद में बैक जाना है, बैक जाने के बाद में प्ले स्टोर से ऐप को करना है सर्च। सर्च करने के बाद में इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर ऐप में अपडेट आएगा प्ले के ऑप्शन की जगह पे अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐप अपडेट कर लेना है। ऐप अपडेट करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है वो जाएगी सॉल्व। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लेना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।